हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम ग्रेविटेशन का स्टडी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पहले थोड़ा लिटिल हिस्ट्री देखेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को लेके, टाइम टाइम पे लोगों ने क्या क्या थ्योरीज, क्या क्या मॉडल दिए, उससे एक केपलर्स लॉस का टोन सेट हो जाएगा। फिर केपलर्स थ्री लॉस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलो हिस्ट्री देखते हैं। ह्यूमंस को काफी पहले से क्यूरियोसिटी रही होगी, भाई अपने आजू बाजू तारे दिखते हैं, चांद दिखता है, सूरज दिखता है, कहे ना कभी शाम कभी मॉर्निंग, कभी मून ऐसा कभी मून वैसा, है ना, कभी नो मून फुल मून, तो क्यूरियोसिटी तो लगी रहेगी। और उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी काफी किए और उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मॉडल्स दिए, राइट, अलग अलग चीजें बोली कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। तो सबसे पहले लगभग 2000 साल पहले टोलोमी, उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्लैनेट्स है, सन है, स्टार्स है, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। अर्थ फिक्स है, अर्थ के आजू बाजू ये सर्कुलर ऑर्बिट्स, अर्थ के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लैनेट्स है ये अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व हो ही रहे हैं लेकिन खुद के अराउंड भी रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। ये टोलोमी थे 2000 साल पहले। उसके बाद आर्यभट्ट अपने इंडियन एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने लगभग 1500 साल पहले, 500 साल बाद पकड़ लो टोलोमी के बाद, उन्होंने कहा कि सन फिक्स है, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे सब कुछ, अगेन सर्क्यूलर ऑर्बिट, राइट, सर्क्यूलर ऑर्बिट, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे, अर्थ भी रिवॉल्व हो रही है, बाकी प्लैनेट्स भी रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये तो खैर काफी एडी की बात हो गई, राइट, तो काफी पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी एक 400-500 साल पहले से जो शुरू हुआ उसमें पहले आए निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने क्या बोला कि भाई अर्थ सन फिक्स्ड है, सन फिक्स्ड है और सर्क्यूलर ऑर्बिट में प्लैनेट्स सन के आजू बाजू घूम रहे, इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। तो ठीक है, राइट, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू जो हमारा आज का करंट थ्योरी है, राइट, करंट थ्योरी में सर्कुलर को हमने इलिप्टिकल कर दिया, बट वेरी क्लोज। अभी उनके फॉलोअर थे, बट ये निकोलस कॉपरनिकस का थ्योरी वहां के जो टाइम के वो जो रूलिंग रहेंगे चर्चेस रिलीजियस बेस्ड थोड़ा सा कंजर्वेटिव थिंकिंग के, वो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। उनके एक सपोर्टर थे गैलीलियो गैलीली, उन्होंने माना उसको कि निकोलस कॉपरनिकस ने जो थ्योरी दिया है बराबर है। उन्होंने उसके ऊपर और स्टडी किया, अपना थ्योरीज पुट फॉरवर्ड किया, उन्होंने बुक बुक भी लिखी। अब इसकी वजह से, और पॉपुलर भी हुए वो बुक्स, चले भी, तो उसकी वजह से वो जो वहां का रूलिंग ये रहेगा चर्चेस, जिसको वो टाइम पे रिलीजियस बेस्ड रूल्स रहते होंगे, राइट, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गैलीलियो को पनिशमेंट ही दे दी, भाई ये क्या बोल रहे हो, आसमान में ऐसे कैसे चीजें बदलेंगी, भाई वहां तो भगवान रहते हैं, है ना। तो उन्होंने उसको पनिशमेंट दे दिया, उन्होंने उसको एक हद दिन जेल में भी रखा और फिर लाइफ टाइम उनको बैन कर दिया कि आप ऐसे सब चीजें नहीं बोलोगे, ऐसे सब किताब नहीं लिखोगे, हाउस अरेस्ट कर दिया उनको टिल डेथ, राइट। बट उन्होंने भी यही माना, और गैलीलियो का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, कहीं ना कहीं न्यूटन, जो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो 11th-12th का आधा फिजिक्स, कहीं ना कहीं न्यूटन का लॉस पे ही है, और उसमें गैलीलियो का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम देखेंगे अभी न्यूटन ने गैलीलियो केपलर, राइट, इनके ही चीजें आगे लेके गए। गैलीलियो ने खुद का टेलीस्कोप भी बनाया था, राइट, अभी तक लोग अपनी आंखों से देखते थे किधर क्या, गैलीलियो ने टेलीस्कोप भी बनाया था। गैलीलियो ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू काफी क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यू, अभी जो कैलकुलेट हो रही है उसका काफी क्लोज वो टाइम पे निकाला था, राइट, तो काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा गैलीलियो का, और क्या करें अभी पनिशमेंट भी सही नहीं पड़ी। गैलीलियो के बाद आए टाइको ब्राहे, उसी टाइम फ्रेम पे, राइट, मैंने जैसे बोला कॉपरनिकस का फॉलोअर थे तो उसी टाइम फ्रेम का हुआ, गैलीलियो के टाइम पे ही एक टाइको ब्राहे करके थे, उन्होंने अपना सारा लाइफ ये सब ऑब्जर्व करने में लगा दिया, ऑब्जर्व किया और सारे ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए, उन्होंने रिकॉर्ड किए कि भाई सारा एक जगह लिख के रखा, और उस ऑब्जर्वेशंस को लेके केपलर उनके शिष्य थे, केपलर उनके शिष्य थे, और केपलर ने वो सारा ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, उसके पहले का जो भी गैलीलियो का वगैरह मटेरियल सब सब कुछ स्टडी करके उन्होंने थ्री लॉस दिए, केपलर्स थ्री लॉस, और न्यूटन ने इनका ही वर्क, केपलर का ही वर्क आगे बढ़ाया, उसी को स्टडी करके उन्होंने अपना, फिर न्यूटन ने तो बहुत कुछ दिया है, राइट, ठीक है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया उन्होंने, बाकी भी चीजें दी, लेकिन यहां इस चैप्टर से रिलेवेंट ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। देखो ऐसे कुछ सीक्वेंस में बनता है, राइट, ऐसा मैंने 5-6 पॉइंट में समराइज करने की कोशिश की हिस्ट्री, तो ऐसा है, ठीक है। चलो ये तो हो गई हिस्ट्री, अभी केपलर्स के लॉ पढ़ते हैं, केपलर्स के लॉ पढ़ते हैं।
आप कभी भी स्लाइड पॉज करके आराम से देख सकते हैं, अगर मैं जल्दी स्लाइड चेंज कर दिया तो ठीक है। केपलर्स का फर्स्ट लॉ, राइट, अभी तक सब सर्कल सर्कल बोल रहे थे, राइट, केपलर ने बोला कि सर्कल नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, बीच में सन ही है, सन के अराउंड ही प्लैनेट रोटेट हो रहे हैं, लेकिन वो जो प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट रिवॉल्व हो रहे हैं वो सर्क्यूलर नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अभी आप बोलोगे इलिप्स क्या है, राइट, और ऑर्बिट में सन किधर है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में फोसाई करके एक होता है, उस वन ऑफ द फोसाई पे सन है, ठीक है। थोड़ा इलिप्स के बारे में बात करते हैं, इलिप्स को समझने के लिए सर्कल की हेल्प लेते हैं। सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल क्या है, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच ऑल दिस पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, राइट, और ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ये सर्कल है, और वो जो फिक्स डिस्टेंस है, सारे पॉइंट उसी डिस्टेंस पे है, उसको रेडियस बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। सर्कल ये भी नहीं है, सर्कल ये भी नहीं है, ये पॉइंट्स का कलेक्शन सर्कल है। वैसे ही इलिप्स इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बट टू पॉइंट्स लेने हैं, एक एक फिक्स पॉइंट की जगह दो फिक्स पॉइंट लेने हैं, दो फिक्स पॉइंट लेने हैं, और ऐसे पॉइंट्स जिनका इन दोनों पॉइंट्स से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो। जैसे मैंने ये पॉइंट लिया है, राइट, ये मान लो ये इलिप्स है, ऐसा ये इलिप्स है, ऐसा ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट, ये सारे पॉइंट्स है, तो कोई भी पॉइंट लू, ये पॉइंट लू तो ये डिस्टेंस, चलो ये दो पॉइंट्स जो फिक्स पॉइंट है ना, उनको मैं F1 F2 लिखता हूं, इनको बोलते हैं फोसाई, दो फोसाई। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट इलिप्स पे का, तो मान लो ये P हो गया, राइट, P1 पॉइंट हो गया, तो मेरा P1 F1 प्लस P2 F2 ये जो डिस्टेंस है, ये और इनका सम कोई भी पॉइंट लो उतना ही कांस्टेंट आएगा। मान लो ये डिस्टेंस d है, मैंने दूसरा पॉइंट लिया तो ये p2 लिया, तो p2 f1 प्लस p2 f2 भी इतना ही आएगा, सेम ही आएगा। कोई भी पॉइंट इधर लो, इधर लो, इधर भी ले सकते हो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इतना ही आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो दो फिक्स पॉइंट से जिनका सम, राइट, हमेशा इक्वल होता है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन को बोलते हैं इलिप्स, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई केपलर ने बोला कि सर्कल नहीं इलिप्स, और वन ऑफ द फोसाई जो दो फिक्स पॉइंट लिए है, दोनों में से एक फिक्स पॉइंट पे आपको रखना है सन। ये यहां सन है और यहां पे प्लैनेट्स है, ये एक प्लैनेट इलिप्स में रोटेट हो रहा है, दूसरा प्लैनेट मान लो दूसरा इलिप्स बनाएगा, ये इधर होगा प्लैनेट P2, ऐसा ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, इनके ऑर्बिट्स इलिप्टिकल है, ऐसा बोला उन्होंने। और सन कहां पे है, वन ऑफ द फोसाई में, बस पहला लॉ इतना ही है। दूसरा लॉ केपलर सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, पहले को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ये क्या बोलता है, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो हमने ये तो बोल दिया कि भाई ये इलिप्स होता है, इलिप्स यानी अंडा टाइप का शेप होता है, ठीक है। इलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, सिंपल है, दो फिक्स पॉइंट है, अलग फोसाई और ये अंडाकृति है, तो भाई इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं जिनको बोलते हैं फोसाई, और दो में से एक पे होता है सन, ये होता है सन। मान लो प्लैनेट कहीं पे इधर, प्लैनेट ऐसे रोटेट हो रहे हैं, राइट, ये प्लैनेट है मान लो, तो ये सेकंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है। और इन एक्सिस को जो है, इन एक्सिस को दोनों अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसका आधा कर दो सेमी मेजर एक्सिस, इसका आधा कर दो सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये जो इलिप्स के फोसाइज होते हैं, इनके बीच का मिड पॉइंट अगर ले लो तो उसको सेंटर ऑफ इलिप्स बोलेंगे,
जिससे दोनों फोसा इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। तो अभी ये सेकंड लॉ जो बोलता है वो बोलता है इक्वल टाइम पे इक्वल इक्वल एरिया स्वीप करेगा। कौन करेगा? अगर मैंने मान लो मेरा ये था पी का पोजीशन, राइट, तो पोजीशन वेक्टर सन को अगर ओरिजिन पकड़ो तो उस प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट है, लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट पकड़ लो, वो इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया स्वीप करता है। अगर ये मान लो कुछ टाइम टी में इतना एरिया स्वीप किया, मतलब ये वाला एरिया, इतना एरिया स्वीप किया, इतना एरिया स्वीप किया, राइट, तो इतना टाइम में कोई और जगह पे भी इतना ही एरिया स्वीप करेगा, राइट। मान लो ये था वन मंथ, मैं अर्थ के हिसाब से पकड़ रहा हूं, मान लो अर्थ है, ये प्लैनेट अर्थ है और ये सन है, तो हमको पता है 12 महीने का एक चक्कर होता है, तो मान लो ये एक मंथ के में इतना एरिया कवर किया उसने। क्या लगता है, यहां पे जब प्लैनेट अर्थ पहुंच गया तो एक महीने में कितना एरिया कवर करेगा? इतना ही एरिया कवर करेगा। अब ये एरिया हो सकता है ऐसा, दिखिए थोड़ा, मैंने एकदम एग्जैक्ट स्केल नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, राइट। देखो पहली बात तो ये इलिप्स है, ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू सर्कल, इतना भी अंडा नहीं है, राइट, इसेंट्रिसिटी इतनी भी नहीं है, थोड़ा क्लोज टू सर्कल है। बहुत बार हमको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगर करने हैं ना तो हम सर्कल पकड़ के ही करते हैं। अभी जो भी आप करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, उसमें वो सर्कुलर ऑर्बिट ही बोलते हैं, राइट। तो इतना भी ज्यादा दबा हुआ नहीं है वो, इट्स लाइक सर्कल ओनली, बट मैंने थोड़ा ये निकाला है। मेरा पॉइंट आपको ये दिखाना था कि एरिया इक्वल हो सकते हैं ये, क्योंकि इसमें देखो इसमें हाइट बहुत ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा। अगर मैं इसको एक साइड पकड़ लूं, इसको एक साइड, बड़े डिस्टेंसेस है तो अज्यूम कर सकते हैं, अगर टाइम पीरियड ज्यादा नहीं रहा, अगर मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है ये, तो ये डिस्टेंस अगर कम है तो इतना लॉन्ग डिस्टेंसेस की वजह से मैं इसको स्ट्रेट लाइन पकड़ सकता हूं। तो ये हाइट हो गई मेरी, ये हो गई मेरी हाइट h, और ये हो गया बेस। बेस छोटा सा है, हाइट बहुत बड़ी है। यहां पे अगर ये बेस पकड़ लिया जाए, राइट, ये बेस पकड़ लिया जाए तो मेरी हाइट बहुत कम है, राइट, लेकिन बेस बड़ा है, तो हो सकता है ये दोनों एरिया इक्वल हो। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सन से पॉइंट जब बहुत दूर है तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, वो धीरे धीरे जाएगा, और जब सन के पास में आएगा तो वो फास्ट भागेगा, वो फास्ट भागेगा, करेक्ट, ऐसा ऐसा। बट इन द एंड गिवन टाइम में वो इतना ही इक्वल इक्वल एरिया ही स्वीप करेगा, इक्वल इक्वल एरिया ही स्वीप करेगा। देखो ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखो तो उसी का कॉन्सिक्वेंस है, ये वही चीज है, ये वही चीज है। ये कैसे कैसे? देखो ये कौन सा फोर्स हुआ, ये कौन सा फोर्स हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन जो है वो उस प्लैनेट को अपने तरफ खींच रहा है, सन अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, इसीलिए तो वो रिवॉल्व हो रही है ना, नहीं तो रिवॉल्व कहां हुई रहती? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से गई होती टेंजेंशियल, राइट, लेकिन सन अपने तरफ खींच रहा है। एंड फोर्स क्या है? फोर्स इस पॉइंट पे अगर मेरी अर्थ है तो इसको वो ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है अपने तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इट इज अलोंग पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर के लाइन में ही है। माय फोर्स इज अलोंग पोजिशन वेक्टर, राइट। अगर मैं टॉर्क देखूं कितना जनरेट हो रहा है, आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा, राइट, आर एफ साइन थीटा, तो क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? जीरो, क्योंकि आर और एफ एक ही लाइन में है, उनके बीच में थीटा जीरो है, साइन जीरो इज जीरो, मतलब टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है, इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो टॉर्क जीरो है, अगर टॉर्क जीरो है तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन टॉर्क इज, देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, राइट, ऐसा है ना। टॉर्क क्या है? dl by dt, ये l एंगुलर मोमेंटम है। अगर ये जीरो है, किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है? डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट था,
इसका मतलब मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट लेके चल रहा हूं मैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। अभी ये देखो, मैं बोला कि ये बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, मैं इसको लाइन पकड़ के इसको एक ट्राइंगल अज्यूम करता हूं, एक ट्राइंगल अज्यूम करता हूं, राइट, क्योंकि एरियाज की बात चल रही है, ट्राइंगल अज्यूम किया मैंने इसको। तो और मान लो डेल्टा टी टाइम पे ये यहां से P1 से लेके P2 गया, इतना एरिया कवर किया डेल्टा टी टाइम पे, डेल्टा ए एरिया कवर किया, ये डेल्टा ए एरिया है, ये डेल्टा टाइम लगा, उसकी वेलोसिटी वी थी, राइट। तो एरिया क्या होगा मेरा, डेल्टा एरिया जो कवर किया वो क्या होगा, हाफ। बेस क्या होगा, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, राइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट यानी पोजिशन वेक्टर, राइट। ऐसे कर सकता हूं मैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या हो गया, एरिया कवर्ड, रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया, राइट, वही चाहिए ना हमने, एरिया इक्वल एरिया कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी रेट ऑफ कवरिंग एरिया इज कॉन्स्टेंट, ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये क्या हो गया, हाफ, राइट, आर और वी। तो इसको मैं लिख सकता हूं एम वी बाय एम, आर क्रॉस पी करना है ना अपने को एंगुलर मोमेंटम, तो ये पी हो गया, राइट, ये एम हो गया और ये आर हो गया, ये क्या, ये पी हो गया, दिस इज लीनियर मोमेंटम, राइट, एंड साइन एंगल जीरो है तो टेंशन नहीं है, साइन वगैरह का, साइन थीटा वेक्टर प्रोडक्ट का टेंशन मत लो, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 होगा, यानी ये वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, साइन 90 इज 1, तो नॉर्मल एमवीआर आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, राइट, ये हमने वो एंगुलर मोमेंटम वाले में काफी डिस्कस किया है ये वाली पर्टिकुलर केस। तो ये क्या हो गया मेरा, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। सो इतना एरिया, दिस इज द रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया, अब ये कांस्टेंट है, कैसे, हमने अभी अभी बोला कि टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, टू तो कांस्टेंट है ही है, तो कांस्टेंट एरिया स्वीप करता है, तो एंगुलर मोमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसके लिए वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे इक्वल एरिया स्वीप करता है, ठीक है। ये है सेकंड लॉ, बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जेईई मेंस में तो मैंने देखे हैं, ठीक है। चलो थर्ड लॉ क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय प्लैनेट। तो हमको पता है ये जो अपना इलिप्स होता है, कुछ ज्यादा इलिप्टिकल निकाला मैंने, रियल में इट इज वेरी क्लोज टू सर्कल, बट ठीक है दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, मैंने क्या बोला, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये मान लो ओ ए, ये है सेमी मेजर एक्सिस, ये है सेमी मेजर एक्सिस, इसको अगर मैं आर पकड़ू, इसको आर पकड़ू, तो टाइम पीरियड यानी क्या है, इस प्लैनेट को पूरा एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगता है, वन रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बड़े काम की चीज है, इस पे आते हैं हम क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिंपल पोर्शन है इसके लिए क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर, ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स 3 आर विल बी, ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, सिंपल है, राइट। अभी हमने क्या पढ़ा, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज रेडियस, राइट, करेक्ट। देखो इलिप्टिकल है लेकिन काफी सर्कुलर से क्लोज है, राइट, तो वो जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है उसको आप ये ए पकड़ के चल सकते हो, ए पकड़ के चल सकते हो,
डोंट कंफ्यूज विद सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ऐसा समझ लो वो डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है पकड़ लो, मीन रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस जो है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, उसी को उसी का क्यूब पकड़ लो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो एक रिवोल्यूशन अर्थ का एक साल होता है, जब रेडियस है ड्यूरेशन ऑफ ईयर, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर, एन ए नॉर्मल एक साल है एक रिवोल्यूशन, जब रेडियस आर है, जब रेडियस आर है तो मेरा टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन ईयर, है ना। तो अगर मैंने टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पकड़ा, राइट, तो टी वन स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू आर क्यूब, राइट। तो टी वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर, टी टू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सम सेम कॉन्स्टेंट इन टू आर टू क्यूब, डिवाइड करो करके कट गया, आपको ऐसे कुछ मिलेगा। तो डाल दो, टी वन क्या है, जब आर वन आर होती है तो टी वन वन ईयर होता है, राइट, टी टू मेरे को पता नहीं ढूंढना है, वन का स्क्वायर वन, राइट, इसके चलो वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर, तो ये थ्री आर का क्यूब है, ये क्यूब है, हाँ, ये आर क्यूब थ्री आर क्यूब, तो बस काट दो ये 27 बचेगा। सो टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 27, राइट, आर क्यूब कट जाएगा, तीन का क्यूब 27 इधर गया, यानी टी टू क्या होगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इसको अगर मैं टी टू करने गया तो 9 3 और रूट 3 इतने साल होंगे अगर उसको 3R कर दिया जाए, तो ऑप्शन डी। चलो अगला देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज l, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरियल वेलोसिटी, ये एरियल यानी हवा वाला एरियल नहीं है, एरिया वाला एरियल है, एरिया चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो स्वीपिंग एरिया, हमने अभी अभी 2 मिनट पहले ये डिराइव किया है, एल अपॉन 2m आता है ना। देखो अभी 5 मिनट रिवाइंड करोगे तो ये सम हो जाएगी, ठीक है, इसको नहीं करता हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट, ओके, ये देखते हैं। द फिगर शोज इलिप्टिकल पाथ ए बी सी डी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एस ए इज 1/4 एरिया ऑफ इलिप्स विथ डी बी एस सेमी मेजर एक्सिस and CA as semi-minor axis. If T1 is time taken for planet to go over the path ABC and T2 for path CDA, तो ABC के लिए, ABC के लिए जो time लगता है, ABC के लिए T1 है और ये CDA जो है उसके लिए T2 है, तो मेरे को T1 और T2 का relationship बताना है। मेरे को दिया है वो जो triangle बीच में बना है CSA, वो जो है वो 1/4 of ellipse का area है, उसका area 1/4 of ellipse है। सन पोजिशन वेक्टर ज्वाइनिंग सन एंड लेट्स से पॉइंट ए, डायरेक्शन के हिसाब से पॉइंट ए, तो एस ए पोजिशन वेक्टर ऑफ सन है, पोजिशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट सन को ओरिजिन पकड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो जो डिस्टेंस स्वीप करेगा ए बी सी, कितना एरिया स्वीप किया उसने, 3/4 ऑफ द इलिप्स, आधा, राइट, अगर आप सी ए स्ट्रेट लाइन के इस तरफ आधा है, इस तरफ आधा है, प्लस उसने एरिया कितना स्वीप किया है, राइट, ये जो एरिया है ये आधा, ये आधा, ये सन यहां पे है, राइट, ये 1/4 हो गया, तो आधा प्लस 1/4 इतना एरिया स्वीप करेगा, जब ये ऐसा इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, तो इस बीच में उसने इतना एरिया स्वीप किया, ये 75% हो गया, 3/4 एरिया हो गया, ये 3/4 एरिया हो गया, या फिर 75% एरिया इसने टाइम T1 में कवर कर लिया, राइट, T2 में कितना कवर करेगा, वो बचा हुआ 25%, सो T2 में उसने 1/4 एरिया और 25% एरिया T2 में कवर किया, करेक्ट। अभी टाइम का रेशियो पूछा है, इक्वल वेलोसिटी कांस्टेंट है, डेल्टा ए, ए बाय टी जो है वो कांस्टेंट है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ बोलता है, लॉ ऑफ
एरियाज बोलता है हमको कि ऐसा है, राइट, ऐसा है, चेंज पकड़ोगे ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको तीन गुना ज्यादा टाइम लगेगा टी वन को, राइट, करेक्ट। तो टी वन जो होगा वो तीन गुना होगा टी टू का, कर लो अगर आप मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हो तो ये ले लो और फिर कर लो एरिया बाय, करेक्ट, राइट, एरिया एक कांस्टेंट ले लो, ठीक है, हो जाएगा, आई थिंक बेसिक मैथ है वो, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है। देखो हमने सारे 22-21 वाले क्वेश्चन लिए, तो ये एरिया, ये जो पार्ट हमने पढ़ा है भले ही सिंपल हो लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रुक जाते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।